सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए थे और उनसे दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, लेकिन कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और उन्हें करीने से सजाते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपर स्टोर्स थे जहाँ पार्किंग के लिए भी बहुत सी जगह थी। वे 7-11 कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी जरूरी चीजें खरीदते हैं। समस्या यह है कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था, जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। 4th हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने को तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसीलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय में माइक से कहा। स्कूल का लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतजार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो, मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे, माइक ने जवाब दिया। क्या, मैंने आवेश में पूछा, क्या वे मेरे उकता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है, मैंने गुस्से से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है कि डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। आखिर शनिवार को रॉबर्ट के अमीर डैडी क्या समझाने वाले थे उन्हें? कैसे एक सबक ने रॉबर्ट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? दोस्तों, आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अभी सुने रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड इस ऑडियो बुक के रूप में, और जाने कि क्या है अमीर बनने का राज़।